केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री श्याम ओला का निधन। राजस्थान के वरिष्ठ नेता वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लोकपाल विधेयक को पारित करने की कांग्रेस की मुहिम हुई फिर तेज। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। भाजपा ने समर्थन का आश्वासन देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर बाधा डालने का लगाया आरोप। संशोधित लोकपाल विधेयक पर अन्ना हजारे का रुख नरम। विधेयक की तारीफ करते हुए किया स्वागत। केजरीवाल ने कहा, अन्ना को किया जा रहा है गुमराह। दिल्ली में सरकार बनाने पर गतिरोध जारी। आम आदमी पार्टी ने मांगा 10 दिन का समय। भाजपा कांग्रेस के सामने रखी 18 शर्तें। उपराज्यपाल नजीब जंग ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के संबंध में भेजी राष्ट्रपति को रिपोर्ट। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अब ये आप पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सरकार का गठन करे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने आम आदमी पार्टी की सराहना करते हुए कहा कि आप एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाला और माकपा उनका स्वागत करती है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का आज अंतिम संस्कार। मंडेला के शव को उनके पैतृक गांव पुनू लाया गया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के शीर्ष नेता को फांसी देने के बाद भड़की हिंसा के बाद हालात और बिगड़े। हिंसा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। एक अहम उपलब्धि हासिल करते हुए चीन ने सफलतापूर्वक अपना मानव रहित यान चंद्रमा की सतह पर उतारा। अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश बना। ट्यूनिशिया में राजनीतिक दलों ने देश के उद्योग मंत्री मेहदी जोमा को कई दिनों तक चले बातचीत के दौर के बाद प्रधानमंत्री चुना। जोमा की अगुवाई वाली सरकार इस्लामी सरकार की जगह लेगी। ईरान ने कहा है कि उसने अंतरिक्ष में दूसरा जीवित बंदर भेजकर उसे सुरक्षित वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इस कामयाबी पर देश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बधाई दी। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 63वीं पुण्यतिथि। देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किया जा रहा है उन्हें याद। भारत ने लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर चौथे विश्व कप कबड्डी का खिताब जीता। भारत ने संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 48-39 के अंतर से दी मात। जूनियर विश्व कप हॉकी के फाइनल में आज फ्रांस और जर्मनी के बीच मुकाबला। पाकिस्तान से 4-2 से हारने के बाद भारत को मिला 10वां स्थान। राजधानी दिल्ली में आयोजित 9वीं दिल्ली हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब इथोपिया के अत्सेदु सिगे ने जीता। महिला वर्ग का खिताब केन्या की फ्लोरेंस के प्लेगेट ने जीता। भारतीय पुरुष वर्ग में जी लक्ष्मणन ने सभी को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। भारतीय महिला वर्ग का खिताब प्रीजा श्रीधरन ने अपने नाम किया।